ही भरद्वाज के आश्रम में। जब निषादराज दूर वापस गंगा के उस पार चले गए, तब राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, अब हम सामने फैले हुए इस निर्जन वन में प्रवेश करेंगे। ये भी हो सकता है कि हमें इस वन में हमें अनेक प्रकार की भयंकर स्थितियों और उपद्रवों का सामना करना पड़े। कोई भी भयंकर प्राणी किसी भी समय किसी भी ओर से आकर हम पर आक्रमण कर सकता है। अतः तुम सबसे आगे चलो, तुम्हारे पीछे सीता चलेंगी और सबसे पीछे तुम दोनों की रक्षा करते हुए मैं रहूंगा। अच्छी तरह से समझ लो कि यहाँ हम लोगों को आत्मनिर्भर होकर स्वयं ही एक दूसरे का बचाव करना पड़ेगा। राम की आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण धनुष बाण संभाले हुए आगे आगे चलने लगे तथा उनके पीछे सीता और राम उनका अनुसरण करने लगे। वन के भीतर चलते चलते ये तीनों वत्स देश में पहुँचे। यह विचार करके कि कोमलांगी सीता इस कठोर यात्रा से अत्यधिक क्लांत हो गई होंगी, वे विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे रुक गए। संध्या हो जाने पर उन्होंने संध्योपासना आदि कर्मों से निवृत्ति पाकर वहां उपलब्ध वन्य पदार्थों से अपनी क्षुधा मिटाई। शनेह शनेह रात्रि गहराने लगी। राम लक्ष्मण से बोले, भैया लक्ष्मण, इस निर्जन वन में आज हमारी यह प्रथम रात्रि है। जानकी की रक्षा का दायित्व हम दोनों भाइयों पर ही है, इसलिए तुम सिंह की भांति निर्भय एवं सतर्क रहना। ध्यान से सुनो, कुछ दूरी पर अनेक प्रकार के हिंसक प्राणियों के स्वर सुनाई दे रहे हैं। किसी भी क्षण वे इधर आकर तनिक भी अवसर पाकर हम पर आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए ही वीर शिरोमणि, किसी भी अवस्था किंचित भी असावधान मत होना। त्रिनों की शया पर लेटे हुए राम के निद्रामग्न हो जाने पर लक्ष्मण संपूर्ण रात्रि निर्भय होकर धनुष बाण संभाले राम और सीता के रक्षार्थ पहरा देते रहे। रात्रि व्यतीत होने पर सूर्योदय से पूर्व ही राम लक्ष्मण और सीता ने संध्या वंदनादि से निवृत्त होकर त्रिवेणी संगम की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में लक्ष्मण ने कुछ वृक्षों के स्वादिष्ट फलों को तोड़कर राम और सीता को दिया तथा स्वयं भी उनसे अपनी क्षुधा शांत की। संध्या होत होते वे गंगा और यमुना के संगम पर पहुंच गए। कुछ देर तक संगम के रमणीक दृश्य को देखने के बाद राम बोले, लक्ष्मण, आज की इस यात्रा ने हमें महातीर्थ प्रयागराज के निकट पहुंचा दिया है। हवन कुंड से उठती हुई यह धूम्र रेखाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो अग्निदेव की पताका फहरा रही हूँ। हवन के इस धुएं की स्वास्थ्यवर्धक सुगंधि से संपूर्ण वायुमंडल आपूरित हो रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम महर्षि भरद्वाज के आश्रम के आसपास पहुंच चुके हैं। संगम की उस पवित्र स्थली में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां कल कल नाद करती हुई प्रवाहित हो रही थीं। निकट ही महर्षि भरद्वाज का आश्रम था। आश्रम के भीतर पहुंचकर राम ने भरद्वाज मुनि का अभिवादन किया और कहा, हे महामुनि, अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आपको सादर प्रणाम करते हैं। भगवन, पिता की आज्ञा से मैं 14 वर्ष पर्यंत वन में निवास करने आया हूँ। ये मेरे अनुज लक्ष्मण तथा मेरी पत्नी मिथिलापति जनक की पुत्री सीता हैं। उनका हार्दिक सत्कार करने तथा बैठने के लिए आसन देने के पश्चात मुनि भरद्वाज ने उनके स्नान आदि की व्यवस्था किया और उनके भोजन के लिए अनेक प्रकार के फल दिए।
फिर ऋषि भरद्वाज बोले, मुझे ज्ञात हो चुका है कि महाराज दशरथ ने निरपराध तुम्हें वनवास दिया है और तुमने मर्यादा की रक्षा के लिए उसे सहर्ष स्वीकार किया है। तुम लोग 14 वर्ष तक मेरे इसी आश्रम में निश्चिंत होकर रह सकते हो। ये स्थान अत्यंत रमणीक भी है। राम ने कहा, निःसंदेह आपका स्थान अत्यंत मनोरम एवं सुखद है, परंतु मैं यहाँ निवास नहीं करना चाहता क्योंकि आपका आश्रम अपनी गरिमा के कारण दूर दूर तक विख्यात है। मेरे यहाँ निवास करने की सूचना अवश्य ही अयोध्या वासियों को मिल जाएगी और उनका यहाँ तांता लग जाएगा। इस प्रकार हमारे तपस्वी धर्म में बाधा पड़ेगी, आपको भी इससे असुविधा होगी। अतएव आप कृपा करके हमें कोई अन्य स्थान के विषय में बताइए जो एकांत में हो और जहां सीता का मन भी लगा रहे। राम के तर्कयुक्त वचनों को सुनकर ऋषि भरद्वाज ने कहा, यदि तुम्हारा ऐसा ही विचार है तो तुम चित्रकूट में जाकर निवास कर सकते हो जो कि यहाँ से 10 कोस की दूरी पर है और उस पर्वत पर अनेक ऋषि मुनि तथा तपस्वी अपनी कुटिया बनाकर तपस्या करते हैं। वह स्थान रमणीक तो है ही और फिर वानर लंगूर आदि ने उसकी शोभा को द्विगुणित कर दिया है। चित्रकूट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अनेक ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली रही है जिन्होंने मोक्ष प्राप्त की है। महर्षि भरद्वाज ने उन्हें उस प्रदेश के विषय में और भी अनेकों ज्ञातव्य बातें बताईं। रात्रि हो जाने पर तीनों ने वहीं विश्राम किया।